शारदीय नवरात्रि 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सभी घरों में माँ दुर्गा के इस पर्व की तैयारियां जोरों पर है। नवरात्रि पूजन सामग्री की खरीदारी जारी है, लेकिन नवरात्रि में पूजा सामग्रियों को खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इन्हें सही मुहूर्त और जगह पर स्थापित करना। हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार सभी भगवानों की पूजा और पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों का एक सही समय और प्रक्रिया होती है। ठीक इसी तरह माँ दुर्गा के इस पर्व पर भी कलश स्थापित किया जाता है। कई लोग तो नवरात्रि के पहले दिन पंडितों को घर में बुलाकर कलश की स्थापना करवाते हैं, लेकिन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस समय और किस विधि के अनुसार खुद ही अपने घरों में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी, जो है लाल रंग का आसन, मिट्टी का पात्र, जौ, कलश के नीचे रखने के लिए मिट्टी, कलश, मौली, लौंग, इलायची, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, चावल, अशोका या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, माता का श्रृंगार और फूलों की माला। उसके बाद आप नवरात्रि के पहले दिन खुद नहाकर मंदिर की सफाई करें और हर शुभ काम की तरह सबसे पहले गणेश जी का नाम लें, माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति जलाएं और मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। एक तांबे के लोटे पर मौली बांधे और उस पर स्वास्तिक बनाए। लोटे पर कुछ बूंद गंगा जल डालकर उसमें साबुत सुपारी, अक्षत और 1.25 रुपए डालें। अब लोटे के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं और नारियल को लाल चुनरी से लपेट कर रखें। अब इस कलश को जौ वाली मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 7:26 तक कलश की स्थापना हो सकती है। अगर इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाए हो तो दोपहर 11:51 से 12:29 तक के बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना को घट स्थापन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलश स्थापना माँ दुर्गा का आवाहन है और शक्ति के इस देवी का नवरात्रि से पहले वंदन शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे देवी माँ घर में विराजमान रहकर अपनी कृपा बरसाती है।